गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो आज है 16 जून, संडे। तो अभी मैंने कम से कम 2 दिन हो गए हैं, मैंने एक जब मैंने वीडियो डाली थी चलिए मूवी देखने चलते हैं, तो आप सब ने देखी, आपको कैसी लगी? देखी है तो बताइएगा ज़रूर। आज मैंने सोचा कि मैं अभी वाइट सॉस पास्ता बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ उसकी रेसिपी जो है वो शेयर करती हूँ। तो आज मौसम भी अच्छा है, काफ़ी हवा अच्छी चल रही है, लेकिन हमारे घर का जो मीटर है वो बिगड़ गया है, ख़राब हो गया, सड़ गया है वो। तो अभी उसको आ रहे हैं उधर कंपनी से बंदे उसको ठीक करने के लिए, उसको चेंज कर देंगे अभी के अभी थोड़ी देर में, तो फिर लाइट आ जाएगी। लेकिन अभी जो मैं रिकॉर्डिंग करने जा रही हूँ वो बिना लाइट के ही करने जा रही हूँ, क्योंकि किचन में इतनी ज़्यादा मतलब इतनी लाइट तो आ जाती है ईज़िली कि हम लोग कोई काम अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चलिए आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ, अगर अच्छी लगे तो अपने घर पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और एक बार बना के मेरे को बताइएगा ज़रूर कि आपने ट्राई किया और आपको कैसी लगी। तो रेडी हैं कुकिंग के लिए, देखने के लिए? अभी चलो आपका मन नहीं है बनाने का तो कोई बात नहीं, एक बार देख लीजिए, उसके बाद में आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही बना के एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो रेडी हो चलने के लिए? रेडी हो, आ जाओ। कुकिंग करने से पहले मैं अपने बालों को अच्छे से बांध लूँगी, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा, और वैसे भी मैं खाना खा बनाते हुए हमेशा अपने बालों को बांध लेती हूँ ताकि बिल्कुल भी गर्मी ना लगे और बाल भी टूट के ना गिरे खाने में। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पास्ता ले लिया है, आप चाहे तो किसी भी शेप का पास्ता ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये जो पास्ता है इस शेप का लिया है। मैंने ये छोटे छोटे ये जो हैं 3 पैकेट्स इसके ले लिए हैं, और इसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा मैदा, मोज़रेला चीज़, बटर यानी मक्खन, और मैंने यहाँ पे 2 शिमला मिर्च ले ली हैं, उनको बिल्कुल छोटे छोटे पीसीज में कट कर लिया अच्छे से वॉश करके। हमने एक पैन में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, इसमें हम सबसे पहले हम पास्ता को बॉईल कर देंगे, और जब पानी बिल्कुल अच्छे से गर्म थोड़ा गर्म हो जाए तब मैं इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, ताकि जो पास्ता है वो एक दूसरे से चिपके भी नहीं, और उसका जो टेस्ट है उसमें थोड़ा सा नमकीन भी हो जाए, वो फिर बाद में खाने में ज़्यादा फीका नहीं लगता। अब पानी जब थोड़ा अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसके अंदर पास्ता जो है वो ऐड करेंगे। अभी हमारा पानी जो है वो गर्म हो चुका है, और अब हम इसमें सारा पास्ता जो है वो ऐड कर देंगे, और बिल्कुल इसको हल्के हाथ से चला के नमक और ये सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि उसका जो टेस्ट है सारे पास्ते में नमक अच्छे से मिल भी जाए और एक दूसरे से ये चिपके भी नहीं और टूटे भी नहीं, बिल्कुल हल्के हाथ से इसको हम लोग हल्के हल्के हाथ से चलाते रहेंगे बीच बीच में।
अभी हमारा जो पास्ता है वो बॉयल हो गया है और मैं इसको एक बार एक पीस लेके चेक कर लूँगी कि ये कुक हुआ है या नहीं हुआ। हम इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, मतलब बहुत ज़्यादा भी इसको नहीं बॉयल करना कि हम इसको बनाएं और ये बीच में गल जाए। आप देखिए ऐसे हाथ में लेकर के इसको चेक कर सकते हैं कि ये पका है या अभी कच्चा है। तो ये पास्ता जो है अभी बॉयल हो चुका है, रेडी है बनाने के लिए। तो चलिए अभी आगे का जो प्रोसेस है वो करते हैं। सबसे पहले इसका हम पानी निकाल के इसको स्ट्रेन कर देंगे, यानी इसको छान के निकाल देंगे इसके पानी को। देखिए मैंने इसको छलनी में डाल के निकाल दिया है। जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए हम इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे, फिर ये एक दूसरे के साथ चिपकेगा नहीं। और मैंने यहाँ पर छोटी एक कढ़ाई रखी है, उसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ और इसके अंदर मैं शिमला मिर्च को पकाने के लिए छोड़ दूँगी। और जब तक हमारी शिमला मिर्च पकेगी, मीनवाइल हम लोग जो है हम वाइट सॉस जो पास्ते के लिए है वो रेडी करेंगे। पैन थोड़ा गर्म हो गया है, मैंने उसके अंदर सबसे पहले थोड़ा बटर डाल दिया है। जो वाइट सॉस है वो बटर में ही बनती है, वैसे ऑयल में भी बना सकते हैं लेकिन इसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा बटर में आता है। आप बटर के साथ थोड़ा सा ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल। उससे क्या है कि एक तो बटर बहुत ज़्यादा नहीं डालना होता और दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा जो है मक्खन के साथ में पास्ता का जो मैदा है वो थोड़ा चिपकता है, तो जो जब थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं तो वो थोड़ा सा उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी अच्छी तरह से बन के निकल के आ जाती है। और हमें इसके अंदर लगभग 4 छोटे चम्मच मैदा मिक्स करूँगी मैं और फिर इसको बहुत अच्छे से पकाएंगे। इसमें बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए मैदा। जब तक मैदा अच्छे से पक ना जाए तब तक हम इसमें आगे का प्रोसेस जो है वो नहीं करेंगे। ये देखिए मैंने लगभग 4 से 4.25 चम्मच, बिल्कुल छोटे वाला चम्मच है, मैंने लगभग 4 चम्मच जो है इसके अंदर मैदा डाल दिया है। अब हम इसको कंटिन्यू जो है वो चलाते रहेंगे ताकि ये जले भी ना और ये अच्छे से कुक भी हो जाए। जब तक हमारा मैदे का वो रेडी होगा तब तक हमारा पास्ता भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा और हम एक साइड में शिमला मिर्च जो है उसको पकने के लिए छोड़ देंगे और बीच बीच में इसको भी हिलाते रहेंगे। शिमला मिर्च जो है उसको ज़्यादा पकाने में टाइम नहीं लगता है, वो बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाती है। बस उसको थोड़ा हमें सॉफ्ट करना है। हम चाहें तो इसके अंदर हम लोग गाजर भी डाल सकते हैं लेकिन अभी सीज़न नहीं है तो अच्छी गाजर नहीं है मार्केट में, तो इस वजह से मैंने ऐड नहीं करी। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर कॉर्न भी मिक्स कर सकते हैं लेकिन मेरे को कॉर्न बिल्कुल भी पास्ते में पसंद नहीं है, मतलब मुझे किसी भी चीज़ में कॉर्न पसंद नहीं है तो मैं नहीं डालती हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग गाजर कॉर्न जो भी आप डालना चाहते हो आप डाल सकते हो। देखिए अभी जो है वो थोड़ा बटर के अंदर मैंने मैदे को भूनना शुरू किया है तो अभी वो थोड़ा मेरे को ज़्यादा वो लग रहा है, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल मिक्स कर दूंगी, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, और फिर इसको मैं लगातार चलाते हुए इसको अच्छे से भून लूंगी। इसमें पहले थोड़ा सा बटर मैंने मिक्स करा, फिर भी मैंने देखा कि वो थोड़ा सा अभी और उसको थोड़ा सा उसका जो बैटर है उसको थोड़ा सा और पतला करना है, तो मैंने उसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल यानी 1.5 चम्मच के आसपास थोड़ा सा उसमें रिफाइंड ऑयल जो है मिक्स कर दिया। मैंने अभी तक इसमें रिफाइंड नहीं मिक्स करा है, अभी मैं इसमें कर दूंगी क्योंकि मुझे लग रहा था वो ज़्यादा ही चिपक रहा था। कुछ जो फ्लेम है उसको हम लोग बिल्कुल धीमी आंच पे रखेंगे, उसकी फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। और मैंने देखिए इसमें रिफाइंड ऑयल थोड़ा मिक्स कर दिया है, अभी इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो पहले से बिल्कुल चेंज हो गई है। अब इसको भूनना भी थोड़ा आसान हो जाएगा। इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन इसको पकाना अच्छे से बहुत ज़रूरी है। बीच बीच में शिमला मिर्च को भी मैं हिलाती रहूँगी और चलाती रहूँगी गैस पे, वो भी सेम गैस पे रखी हुई है।
जब ये अच्छे से भून जाएगा तो हम इसके अंदर जो है वो दूध ऐड करेंगे, और दूध हमें एकदम से सारा ऐड नहीं करना है क्योंकि इसके अंदर लम्प्स यानी कि गांठे पड़ सकती हैं। तो हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके दूध इसमें मिक्स करते जाना, उसको चला चला के उसके जो लम्प्स बन रहे हैं उनको साथ के साथ हमें चलाते चलाते इसको फोड़ना है सबको, और एक बिल्कुल स्मूथ कंसिस्टेंसी जो है इसकी बन के रेडी होनी चाहिए। अभी मैंने एक गिलास दूध डाला, अभी मैं इसमें और थोड़ा दूध ऐड करूँगी और उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दूंगी, क्योंकि बिल्कुल लगातार दूध से भी इतना ज़्यादा वो है कि वो बार बार थिक होता रहेगा। अगर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी नॉर्मल पे आ जाएगी। तो हमें थोड़ा सा, मैं इसको थोड़ा सा पतला ही रखूँगी क्योंकि पास्ता जो है अगर 2 मिनट भी पड़ा रहे ना तो वो पड़ा पड़ा बहुत थिक हो जाता है। तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ी, इसकी जो ग्रेवी है वो पहले ही जो सॉस है इसकी थोड़ी सी पतली रखी है। अभी हमारे पास्ता की जो सॉस है वो रेडी हो गई है। तो अभी मैंने इसमें काफ़ी सारे बॉयल भी आ गए हैं, तो अब मैं इसमें ऑरेगानो और रेड चिली फ्लेक्स मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। मैंने पहले नोटिस नहीं करा कि मेरे पास काली मिर्च का जो पाउडर था वो ख़त्म हो गया, तो वो भी इसके अंदर डलता है। वैसे उससे जो है थोड़ा सा स्पाइस ऐड होता है तो और तीखेपन का जो फ्लेवर होता है उसमें तीखापन एक आता है, तो वो बहुत टेस्टी लगता है। इसीलिए मैं थोड़े से फ्लेक्स जो है रेड चिली के वो थोड़े ज़्यादा डाल दिए, क्योंकि मेरी जो काली मिर्च का पाउडर है वो ख़त्म हो गया था और मैं एकदम से अब उस स्टेज पे नहीं थी कि मैं अभी मंगवाती और उसको मैं डालती। तो आप इसके अंदर थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर ऐड कीजिए इसी स्टेज पर, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसको अच्छे से इसके साथ थोड़ा बॉईल करेंगे, पकाएंगे इसको अच्छे से। अब मैंने यहाँ पे जो चीज़ है उसको लेके थोड़ा सा ग्रेट कर लिया है, पीस लिया मैंने उसको। अब मैंने इस चीज़ को मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो ये बहुत ही एक अच्छा, मैंने इसको कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया उस पैन से, क्योंकि वो मेरे को थोड़ी छोटी लग रही थी और पास्ता ऐड करने के बाद में वो गिरती सारी बाहर, तो इस वजह से मैंने उसको जो है कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसमें मोज़ेरेला चीज़ जो है वो ऐड कर दूँगी, इससे बहुत जो है कि चीज़ी पास्ता रेडी होता है और वो बहुत अच्छा टेस्ट देता है। चीज़ जो है वो मेल्ट होना उसके अंदर स्टार्ट हो गया है, और अब मैं इसके अंदर वो जो शिमला मिर्च हमने पका के रखी थी वो उसको ऐड कर दूंगी इसके अंदर ही। उसको भी अच्छे से मिक्स करने के बाद में मैं इसमें अब थोड़ा सा जो है वो नमक, अभी तक मैंने नहीं डाला, वो मैं ऐड करूंगी। नमक आप बहुत ध्यान से डालिए, क्योंकि जब हमने पास्ता बॉयल किया हमने उसके अंदर भी नमक डाला, और उसके बाद में जो चीज़ होता है उसमें भी नमक होता है, और जिस बटर में हमने वो किया था मैदे को भुना था वो बटर में भी नमक होता है। तो इस वजह से नमक की क्वांटिटी जो है वो आप बहुत देख के बड़ा हिसाब से कम डालिए। और मैंने पास्ता को एक बार ठंडे पानी से निकाल के अच्छे से झाड़ लिया है। अब ये देखिए पास्ता बिल्कुल भी आपस में चिपका हुआ नहीं है, बिल्कुल एक एक पास्ता जो है वो अलग हो गया है। तो अब इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। जब जैसे जैसे ये देखिए जो चीज़ है उसकी स्ट्रिंग्स कितनी अच्छी बन के आई हैं, और जैसे जैसे ये थोड़ा ठंडा होएगा और पकेगा ये गाढ़ा होता जाएगा। इसको आप 2-4 मिनट भी ऐसे ही छोड़ देंगे बनाने के बाद भी तो ये बहुत थिक हो जाएगा। इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा वाइट सॉस को थोड़ा सा पतला रखा है, ताकि ये मतलब एकदम से गाढ़ा हो जाता है तो फिर वो मतलब उसको कुक होने में भी टाइम लग जाता है, ज़्यादा जल्दी उसको हम सेक भी नहीं लगा पाते, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा पता है। देखिए अभी 2-3 मिनट हो गए हैं बने हुए, वैसे तो अभी बहुत गर्म है, लेकिन देखिए इसकी ग्रेवी जो है वो सारी ख़त्म हो गई है। तो आप एंजॉय कीजिए पास्ता को, अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक कर दीजिए और बना के ज़रूर चेक कीजिएगा।